हे गाइस, वेलकम टू एक्स्ट्रा ज्ञान में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज हम एचपी के दोनों ही लेजर जेट प्रिंटर को कंपेयर करने वाले हैं। पहला प्रिंटर है दोस्तों M126NW और दूसरा प्रिंटर है दोस्तों 136NW। दोनों ही प्रिंटर में क्या क्या खूबी है और क्या क्या फंक्शन है, कौन सा प्रिंटर आपको लेना चाहिए, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों ही प्रिंटर की फंक्शन की बात करूं तो ऑलमोस्ट आपको दोनों ही प्रिंटर में सेम देखने को मिलेगा, प्रिंट कॉपी स्कैन। उसके बाद दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों ही प्रिंटर में हाई स्पीड ईथरनेट एंड वाईफाई और 2.0 की यूएसबी सपोर्ट देखने को मिल जाती है, ऑलमोस्ट सेम है दोनों ही प्रिंटर में। देन उसके बाद नेक्स्ट पेपर साइज की बात करूं तो ऑलमोस्ट यहां पर भी सेम देखने को मिल जाती है। यहां M126 में आपको पोस्ट कार्ड की सुविधा देखने को मिलती है। पेपर ट्रे और पेपर हैंडलिंग की बात करूं तो ऑलमोस्ट दोनों ही प्रिंटर में सेम देखने को मिलती है, कोई भी अंतर आपको यहां देखने को नहीं मिलेगी। ड्यूटी साइकिल की बात करूं तो M126 में 8000 पेजेस तक के आप एक मंथ में निकाल सकते हैं। यही बात अगर 136M की बात करूं तो यहां 10000 पर मंथ आप यहां पर पेज निकाल सकते हैं। मंथली पेजेस की बात करूं तो यहां एक M126 में 250 से 2000 पेज तक की प्रिंट निकाल सकते हैं और 136 में 100 से 2000 पेजेस तक की आप मंथली पेजेस जो है निकाल सकते हैं। ड्यूबलेस प्रिंटर, यहां पर दोनों ही प्रिंटर मैनुअल तरीके से काम करता है, यहां ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं मिलेगा देखने को आपको। डिस्प्ले की बात करें तो यहां 2-लाइन LCD डिस्प्ले आपको दोनों ही प्रिंटर में देखने को सेम मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो 600 मेगाहर्ज पर यह दोनों ही प्रिंटर इक्वल ही जैसे काम करते हैं, इसमें कोई भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। प्रिंट स्पीड की बात करें तो यहाँ पर A4 साइज का दोस्तों अप टू 20 MPP जो है दोस्तों पेज पर मिनट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट पेज आउटपुट की बात करें जो कि A4 साइज है, यहाँ पर M126 जो है 9.5 सेकंड में जो है दोस्तों पहला पेज प्रिंट कर लेता है। यही बात 136 की बात करें तो 8.3 सेकंड में जो है पहला आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ नेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों प्रिंट क्वालिटी की बात करें तो 126 में आपको 600x600 DPI की जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा। 136 में दोस्तों आपको 1200x1200 DPI डॉट पर इंच आपको देखने को मिलेगा। 126M स्कैनर टाइप की बात करें तो दोनों ही प्रिंटर फ्लैट बेड में आपको यहाँ जो है वर्क करने को मिलेगा। स्कैन रेजोल्यूशन की बात करूं तो दोस्तों पहला प्रिंटर है 1200x1200 DPI पर जो है स्कैन करता है। यही बात दूसरे प्रिंटर की बात करें तो 4800x4800 DPI डॉट पर इंच पर यह स्कैन करता है, जो कि काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन हो सकता है इस प्रिंटर का। तो दोस्तों मैक कैपेबिलिटी की बात करूं तो दोनों ही प्रिंटर पर यह मैक को OS सपोर्ट करते हैं। दोनों ही प्रिंटर की वेट की बात करूं तो पहला प्रिंटर दोस्तों 8 kg का देखने को मिलेगा और दूसरा प्रिंटर दोस्तों 7.46 kg का देखने को मिलेगा। प्रिंट मेथड की बात करूं तो दोनों ही प्रिंटर दोस्तों लेजर जेट प्रिंट करते हैं। रिफिल टाइप की बात करूं तो दोस्तों पहला प्रिंटर जो है दोस्तों 88 टोनर जो है दोस्तों सपोर्ट करता है। यही दूसरा प्रिंटर है दोस्तों 110 जो है दोस्तों कार्टेज को यह सपोर्ट करता है। दोनों ही दोस्तों अलग अलग टोनर जो है दोस्तों अलग अलग प्रिंटर पर लगते हैं। फाइनली यहां प्राइस की बात करें तो पहला प्रिंटर 22000 से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा और दूसरा प्रिंटर दोस्तों 20000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। अप्रॉक्स बता रहा हूँ दोस्तों, प्राइस जो है दोस्तों वेरी करते रहता है, तो आपको चेकआउट कर लेगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दोनों के लिंक मिल जाएंगे। परफेक्ट फॉर जो है दोस्तों यहाँ दोनों ही होम टाइप के जो दोस्तों प्रिंटर है, कोई भी ऑफिस में भी आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रिंटर को। वारंटी की बात करूँ तो दोनों ही प्रिंटर में 1-1 साल का है दोस्तों वारंटी देखने को मिलता है। फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा और नए वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।